अगर आप कार, बाइक या कोई अन्य वाहन चलाते हैं तो आपके लिए कुछ नियम यानी 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे। आपको अपनी गाड़ी के साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हुए मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। मंत्रालय के इस कदम से ड्राइवर्स को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। मंत्रालय द्वारा इन नियमों में बदलाव को 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं यह नियम कौन कौन से हैं। पहला, वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर किसी वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल वैलिडेशन पूरा हो गया है तो उन्हें फिजिकल रूप में कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें वो मामले भी शामिल होंगे जिसमें नियमों में उल्लंघन के बाद डॉक्यूमेंट्स जब्त करने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों को ई चालान भी सरकार के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। दूसरा, अगर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की ज़रूरत पड़ी तो क्या होगा। अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है जहां नियम उल्लंघन की स्थिति में किसी ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल करने की नौबत आती है तो अथॉरिटीज़ को इस बारे में डिजिटल पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद पोर्टल पर जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। यह ड्राइवर और वाहन संबंधी सभी रिपोर्ट क्रमबद्ध होगा। तीसरा, नए सिस्टम में बचने की गुंजाइश नहीं। नियमों के उल्लंघन करने वाले के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन किया जाएगा और अथॉरिटीज़ ड्राइवर के व्यवहार तक को मॉनिटरिंग कर सकेगी। केवल ड्राइवर ही नहीं बल्कि जांच का टाइम स्टैम्प, पुलिस अधिकारी का यूनिफॉर्म सहित पहचान पत्र का रिकॉर्ड भी पोर्टल पर अपडेट किया है। इसके दायरे में अधिकृत अधिकारी भी आएंगे। दरअसल सरकार चाहती है कि किसी भी वाहन की चेकिंग बार बार नहीं की जाए और ड्राइवर्स को भी किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाया जाए। चौथा, आप अपने संबंधित डॉक्यूमेंट्स कहाँ स्टोर कर सकेंगे। ड्राइवर्स अपने वाहन संबंधित डॉक्यूमेंट को केंद्र सरकार की ऑनलाइन पोर्टल पर स्टोर कर सकते हैं, जैसे डिजी लॉकर या एम परिवहन। अब उन्हें अनिवार्य रूप से अपने डॉक्यूमेंट्स वाहन के साथ रख कर नहीं चलना पड़ेगा। पांचवा, कब इस्तेमाल कर सकेंगे मोबाइल फोन्स। मंत्रालय ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल करने के नियमों में भी संशोधन किया है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन्स या अन्य हैंडलेड डिवाइस का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए ही किया जा सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा रूट नेविगेशन के पूरा ध्यान ड्राइविंग पर ही हो। इसके अलावा फ़ोन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। यह भी साफ किया गया है कि ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। तो यह ड्राइविंग का नियम है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।